डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये सी छोटी छोटी यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं एंड डबल साल्ट क्या है, इनके बीच में डिफरेंस सीखा था हमने कि कॉम्प्लेक्स और डबल जो साल्ट है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये ऐसे कंपाउंड्स है कि अगर इनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो पाते, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये पार्शियली डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि किसको हम लिगेंड बोलेंगे, किसे सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स, तो आइए सीखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो कंपाउंड दिख रहा है ना, इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब आप इसे वाटर में डिजोल्व करोगे ना तो ये इतना कंपाउंड अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर Cl हमें मिलेगा। यहाँ पर जो ये Ag है यानी सिल्वर है और ये NH3 जो अमोनिया है, ये अलग अलग नहीं हो पाते, यानी कि ये यहाँ पर डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ऐसी ही रहती है, ये वाटर में डिजोल्व करने पर भी ये आयन से यहाँ पर सेपरेट नहीं हो पाते, इसलिए इसको हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, इसे क्या कहा गया है, तो इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहा गया है ब्रैकेट को? ब्रैकेट को कहा गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। यहाँ पर ये जो एजी दिख रही है आपको, इसे कहा गया है सेंट्रल मेटल आयन। क्या है ये? सेंट्रल मेटल आयन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है ये जनरली एक ट्रांजिशन मेटल होती है। ट्रांजिशन मेटल क्यों लेते हैं हम? क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण जब ये लिगेंड इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। अगर इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ना हो तो ये लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है उसे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स ही लेते हैं हम जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो NH3 दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहा गया है लिगेंड। क्या कहा गया है इसे? तो इसे कहा गया है लिगेंड। लिगेंड क्या करता है? एक जो लिगेंड रहता है वो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन देता है। किसे देगा? यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन है इसे। जैसे यहाँ पर ये सिल्वर सेंट्रल मेटल आयन है, तो ये जो यहाँ पर अमोनिया है जैसे NH3 है, तो ये NH3 वन इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एजी को डोनेट कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के बाहर टू, यानी कि यहाँ पर टू NH3 अटैच है इससे, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देंगे? टू मल्टीप्लाई टू यानी कि फोर। वन जो यहाँ पर लिगेंड है वो टू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो टू अगर लिगेंड लेंगे हम यहाँ पर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा? फोर इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर टू लिगेंड लिए है, यानी कि यहाँ पर फोर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं NH3 यानी कि लिगेंड। इसके अलावा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो ये जो टू लिखा है ना, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि जो लिगेंड का नंबर होता है उसे ही कहा गया है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। जो लिगेंड का नंबर होता है उसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, यानी हम बोल सकते हैं व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़
नंबर ऑफ लिगेंड विच आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन। जितने नंबर में लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए रहते हैं उतने नंबर को या फिर लिगेंड के जो नंबर है उसे ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है इसे कहेंगे हम आयनाइजेशन स्फीयर। क्या कहेंगे इसे? आयनाइजेशन स्फीयर। यहाँ पर क्लोरीन क्या है, ये एक टाइप का आयनाइजेशन स्फीयर है। तो ये देखे हमने इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ब्रैकेट है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है, तो ये ट्रांजिशन मेटल है, लिगेंड क्या है, यहाँ पर NH3 जो है वो लिगेंड है, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन से जो भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स अटैच होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। जो लिगेंड का नंबर होता है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर जो चीज़ें अटैच होती है उन्हें कहा जाता है यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिगेंड है ना वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी इनके कौन कौन से टाइप्स प्रेजेंट है। तो लिगेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो मेनली तो यहाँ पर 4 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। कौन कौन से हैं इसके अलावा और कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर लिगेंड्स में फर्स्ट इसका टाइप है यूनि या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड। अब मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड होता है जो कि केवल एक एटम से सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ रहे। क्या होते हैं? मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड्स है जो कि केवल एक ही एटम के थ्रू लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर CN दे रखा एग्जांपल, यानी कि साइनाइड आयन, या फिर NH3, ये जो है वो केवल एक ही एटम से यहाँ पर जुड़े रहेंगे सेंट्रल मेटल आयन से। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये एग्जांपल देखा था, तो इसमें जो ये N है नाइट्रोजन है ये यहाँ पर जो सिल्वर है इससे जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है केवल एक एटम। ठीक है, ऐसे ही साइनाइड में जो C है यानी कि कार्बन है ये यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे ही देखते हैं दूसरे हम बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगेंड। बाय मतलब होता है यहाँ पर 2, यानी कि ऐसे लिगेंड जो कि 2 एटम्स के थ्रू सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े रहते हैं उन्हें हम कहेंगे बाइडेंटेट टाइप के लिगेंड। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में ये जो लिगेंड है ना ये NH2 ये वाले एंड से और दूसरा एंड जो है ये NH2 वाला, इन दोनों एंड से और इसमें जो है नाइट्रोजन है ना इनके थ्रू किसी सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा रहता है। यानी कि जो 1 लिगेंड है वो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू इस टाइप से जुड़ा रहता है सेंट्रल मेटल आयन से, किसी भी सेंट्रल मेटल आयन से। और यहाँ पर क्योंकि ये इस टाइप से 2 बॉन्ड बना रहा है यानी कि 2 एटम्स यहाँ पर अटैच हो रहे हैं, इसलिए 1 जो लिगेंड है वो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है। ठीक है, जो बाइडेंटेड लिगेंड है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर पाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो ट्राइडेंटेड जो लिगेंड होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू यानी कि 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, एक ही लिगेंड जो है वो 3 बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर देखें हम तो ये NH जो है यहाँ से हर जगह से ये जो नाइट्रोजन है ना ये किसी सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, और इस टाइप से ये 3 बॉन्ड बनाएंगे। अब हमने देखा था कि अगर एक बॉन्ड बन रहा है ना 1 बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है यानी कि 3 में हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डोनेशन कर पाता है ये एक ही यहाँ पर जो ट्राइडेंटेड लिगेंड है वो। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास 2 डोनर एटम तो होते हैं। क्या होते हैं? 2 डोनर एटम। जैसे यहाँ पर ये जो साइनाइड दे रखा है इसमें ये जो साइनाइड है ना वो इस सी से भी जुड़ सकता है और इस नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, बट 1 टाइम पे ओनली 1 एटम से ही ये जुड़ते हैं। ठीक है, क्या है एम्बीडेंटेड लिगेंड? ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास चॉइस होती है कि वो 2 में से किसी भी एटम के थ्रू
जुड़ सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन से, बट वन टाइम पे केवल वन एटम से ही ये अटैच्ड होते हैं। जैसे मान लो वन टाइम पे ये कार्बन से अटैच हो गया, है ना, जैसे सिल्वर सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पर, तो सिल्वर से यहाँ पर जो साइनाइड है वो सी के थ्रू अटैच है, और कभी जो साइनाइड है ये नाइट्रोजन के थ्रू एजी से अटैच है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर एम्बिडेंटेड टाइप का लिगेंड। आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये जो H2O है इसके पास ये वन इलेक्ट्रॉन का पेयर फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ही ये किसी सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करते हैं और इस टाइप से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अब ये जो H2O है वो कैसा लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसके ऊपर अगर हम चार्ज देखें तो जीरो चार्ज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो वाटर है ना वो एक टाइप का न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल टाइप का लिगेंड है। ऐसे ही जो NH3 है ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसके ऊपर भी जीरो चार्ज है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी कैसा लिगेंड है, तो ये भी मोनोडेंटेड टाइप का लिगेंड है। C5H5N यानी पायरिमिडीन का एग्जांपल है ये, तो पायरिमिडीन जो है ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसके ऊपर भी चार्ज देखे तो जीरो है। ऐसे यहाँ पर NH2CH2CH2NH2 जो है ये कैसा लिगेंड है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पर ये जो इथिलीन डायमिन है इसे हम शॉर्ट में EN कहते हैं, इथिलीन डायमिन को शॉर्ट में EN लिखा जाता है। और ये यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन है, दूसरा ये वाला नाइट्रोजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर फ्री है, तो दोनों ही नाइट्रोजन के थ्रू ये किसी सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ जाते हैं और दो बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, यानी कि टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स यहाँ पर बनते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर Fe-Cl-Br-CH3COO यानी एसीटेट आयन, साइनाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन, ये सब क्या है, ये बाइडेंटेड टाइप के लिगेंड्स हैं, ठीक है, नहीं ये सॉरी यहाँ पर मोनोडेंटेड टाइप के लिगेंड है, बाइडेंटेड तो ये ऊपर का था, है ना, और चार्ज उस पर जीरो था। अब ये यहाँ पर जो लिगेंड दे रखे हैं ये मोनोडेंटेड टाइप के लिगेंड है और इनके ऊपर अगर हम चार्ज देखें ना तो -1 चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये COO माइनस करके लिगेंड दी है, तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो यहाँ पर 1- है, 1- यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर जो है वो टोटल 2- चार्ज प्रेजेंट है और ये कैसे है, बाइडेंटेड टाइप के लिगेंड है, यानी कि ये टू बॉन्ड्स यहाँ पर बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर एक तो माइनस चार्ज के थ्रू बॉन्ड बन जाएगा और एक यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है इसके थ्रू बॉन्ड बनता है, यानी कि ये कैसा है, बाइडेंटेड टाइप का लिगेंड। ऐसे ये वाला जो लिगेंड है वो एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या है, ये EDTA बोलते हैं शॉर्ट में से, और फुल फॉर्म है इसका इथिलीन डायमिन टेट्रा एसीटेट आयन। क्या है ये, इथिलीन डायमिन टेट्रा एसीटेट एन आयन है। और ये जो लिगेंड है ना वो हेक्साडेंटेड टाइप का लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड का मीनिंग है यहाँ पर कि ये 6 इस टाइप से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू 1 सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी मेटल हो सकते हैं, यहाँ पर Ag का एग्जांपल लिया मैंने, है ना। इसके साथ ही इसमें अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्जेस यहाँ पर -4 चार्ज होते हैं, यानी कि जो 4 बॉन्ड है ना वो 4 बॉन्ड ऐसे यहाँ से माइनस चार्ज के थ्रू बनते हैं और 2 जो बॉन्ड है वो यहाँ पर N यानी कि नाइट्रोजन के थ्रू यहाँ पर बनेंगे। तो इस टाइप से 6 बॉन्ड बना सकता है ओनली 1 EDTA का मॉलिक्यूल। फुल फॉर्म है इसका इथिलीन डायमिन टेट्रा एसीटेट। ऐसे नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर एम्बिडेंटेड टाइप का लिगेंड। ये जो लिगेंड है वो एम्बिडेंटेड टाइप के हैं, NO2-SCN-CN-, ये सारे क्या है, एम्बिडेंटेड टाइप के लिगेंड है, यानी कि इनके पास चॉइस होती है कि ये किस एटम से, किस एटम के थ्रू सेंट्रल मेटल आयन से अटैच होना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के थ्रू भी ये NO2 अटैच हो सकता है सेंट्रल मेटल आयन से और
O2 के थ्रू भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पर जो थायोसाइनाइड है ना, ये सल्फर के थ्रू भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। तो ये थे यहाँ पर एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या क्या सीखा हमने? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पर, है ना, लिगेंड क्या है, लिगेंड्स के टाइप्स देखे हमने यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कीलेट क्या है, जो कीलेट है उसके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद देख लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे हमने उसमें एग्जांपल में देखा ही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कीलेट देखते हैं, कीलेट क्या है। कीलेट जो है वो एक टाइप का अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर ये कीलेट है, ये कब बनता है? जब पॉलीडेंटेड टाइप का जो लिगेंड होता है, पॉलीडेंटेड किसे कहेंगे, ऐसा लिगेंड जो दो या दो से अधिक बॉन्ड के थ्रू किसी सेंट्रल मेटल आयन से अटैच होता है, इस टाइप के लिगेंड्स को हम कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। जैसे यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये क्या है, एक टाइप का पॉलीडेंटेड लिगेंड है। और ये जो निकिल दे रखा है यहाँ पर प्लस टू स्टेट में, ये क्या है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है। अब इस सेंट्रल मेटल आयन से ये जो लिगेंड है ना, इसके टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। वन मॉलिक्यूल तो ये है और सेकंड ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये टू मॉलिक्यूल्स जब निकिल से इस टाइप से अटैच होते हैं, यहाँ पर टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस टाइप से बनते हैं, है ना, और टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर ऊपर नीचे ऑक्सीजन के साथ इस टाइप से बनते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर रहती है ना, इसे कहा जाता है कीलेट। इसको कीलेट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है ना, वो एक केज लाइक यानी कि पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है केज लाइक यानी पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर। और इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है ना, वो एक तरह से यहाँ पर बीच में फंस जाता है, यानी कि जो खाली जगह रहती है उसके अंदर, जैसे पिंजरे के अंदर हम पैरेट को रखते हैं, पिंजरे के अंदर जैसे हम पैरेट को रखते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर ये जो केज लाइक यानी कि कीलेट की स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो निकिल मेटल है ना, निकिल एक टाइप की ट्रांजिशन मेटल है यहाँ पर, तो ये इस पिंजरे के अंदर यानी कि केज के अंदर फंस जाती है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा गया है कीलेट की स्ट्रक्चर, ठीक है। और कीलेट क्या है, ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नेम जो है वो क्या है, निकिल डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। क्या नाम है इसका, निकिल डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या है इसमें, यहाँ पर जो लिगेंड का नंबर है वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखें हम, तो यहाँ पर ये NH3 क्या है, लिगेंड है। ये निकिल क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। अब ये जो NH3 है, इसके अगर मैं नंबर देखूँ यहाँ पर, तो नंबर कितने हैं, 6 नंबर में यहाँ पर ये अटैच है। तो बस ये 6 जो नंबर है ना, यानी कि लिगेंड का जो नंबर है, इसे ही हम कहेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इस एग्जांपल में अगर देखें तो 4 है यहाँ पर लिखा हुआ, ये 4 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही यहाँ पर ये 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू कोऑर्डिनेशन। इन अदर वर्ड, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन डोनर एटम ऑफ द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। वही कहा है, क्या कहा है यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर हमने मोनोडेंटेड लिगेंड लिया है, तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है या कितने नंबर में मोनोडेंटेड लिगेंड से यहाँ पर अटैच्ड है सेंट्रल मेटल आयन से, उसे कहा जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये था हमारे आज के यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।